something's happening this is an earthquake greatest earthquake ever known did we go back in time yes and space Friends? smells good you realize what this means yes matt lower can eat it's a walnut <gasps> आदमी के साथ शुरू होती है जो एक स्पेस सूट में एक अंधेरे सीलन दलदली इलाके में खो जाता है मनुष्य के अनुसार ऐसा लगता है कि वह पृथ्वी की ऑर्बिट में प्रवेश करते समय समय और स्थान में एक प्रकार के आंसू में गिर गया है वह सवाल करना शुरू कर देता है कि क्या वह पृथ्वी पर भी है क्योंकि उसके चारों ओर विशाल ऊंचे पेड़ों के साथ वह जगह अलग सी दिखती है जैसे जैसे वह चलता रहता है उसे कहीं से कुछ गिरने की आवाज़ें सुनाई देती हैं फिर वह घबराने लगता है और पानी और अपने आसपास के पेड़ों के बीच से भागने लगता है कुछ दूर चलने के बाद वह लड़खड़ा जाता है और झटपटाहट के साथ घिर जाता है जैसे ही वह उठता है वह देखता है कि एक डायनासोर उसके पास आ रहा है और उसे खाने के लिए अपने जबड़े खोल रहा है हेलो दोस्तों हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आपका स्वागत है आज हम लैंड ऑफ द लॉस्ट नाम की 2009 की एक साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म का पुनर्कथन करेंगे आदमी के साथ क्या होता है यह जानने के लिए वीडियो देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहीं और एक टीवी शो में एक पेलेंटोलॉजिस्ट रिक मार्शल का होस्ट मेट लुअर द्वारा इंटरव्यू किया जा रहा है वह अपनी नई किताब को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है जिसमें वह घोषणा करता है कि इंसानों के लिए डायमेंशंस के पार दूसरी दुनिया में कूदना संभव है हालांकि मेज़बान को उनके शोध पर संदेह है इसके बाद उन्होंने पेलेंटोलॉजिस्ट को यह कहकर नाराज कर दिया कि स्टीफन हॉकिंग्स के अनुसार उनके सिद्धांत बकवास हैं नतीजा जन मार्शल चला जाता है कुछ सेकंड बाद वह ल्यूअर का हमला करने के लिए लौटता है लेकिन स्टाफ के एक सदस्य द्वारा रोक दिया जाता है तीन साल बाद मार्शल एक अंधेरे कमरे में अपने सिद्धांतों के बारे में व्याख्यान दे रहे हैं जब वह लाइट चालू करता है तो यह एक छोटे बच्चों से भरी एक कक्षा निकलती है जो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देती है वह फिर उन्हें खारिज कर देता है तभी एक युवती होली कंट्रोल रूम में प्रवेश करती है वह केम्ब्रिज से है और उनके पास आई है क्योंकि वह वास्तव में उनके सिद्धांतों में विश्वास करती है लेकिन वह डिमोटिवेटेड है जब वह उसे लाखों साल पुराना एक फॉसिल भेंट करती है जिसमें उसके लाइटर की छाप भी शामिल है तो वह उत्साहित हो जाता है बाद में होली मार्शल के घर जाती है और उसे फूड कोमा की स्थिति में पाती है वह फिर उसे उठने में मदद करती है तभी उसे उसका टैक्यन एम्पलीफायर दिखाई देता है वह उपकरण जो उन्हें एक अलग आयाम में ले जा सकता है वह फिर मार्शल को उसके साथ एम्पलीफायर का परीक्षण करने के लिए राज़ी करती है और दोनों रेगिस्तान के लिए निकल जाते हैं वे एक दुकान में जाते हैं जहाँ वे उसके मालिक विल्स टैटन से मिलते हैं वे उन्हें तरह तरह के पटाखे बेचने की कोशिश करता है लेकिन वे मना कर देते हैं इसके बजाय वे उसे एक गुफा में ले जाने के लिए कहते हैं गुफा के अंदर स्टेटन एक छोटी नाव के पर एक धारा के साथ चला रहा है वह उन्हें अपनी नाटकीय कहानियों से जोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वे दिलचस्पी नहीं लेते जैसे ही एम्पलीफायर सिग्नल उठाता है पेलेंटोलॉजिस्ट सिग्नल को बढ़ा देता है तभी भूकंप आता है धारा तेज हो जाती है और नाव तेजी से बह जाती है जिससे एम्पलीफायर भी पानी में गिर जाता है, यह जल्दी से कहीं ले जाती है और वे एक विशाल बूंद में गिर जाते हैं वे एक विशाल रेगिस्तान में जागते हैं जिसमें कई सारे चंद्रमा आकाश में दिखाई देते हैं वे दुर्घटनाग्रस्त विमान के साथ एक वाइकिंग जहाज भी देखते हैं जो समय के बारे में मार्शल के सिद्धांत की पुष्ट करता है एक वीडियो फिल्माते समय मार्शल एक ध्वनि से बाधित हो जाता है वे तब एक टीले के शीर्ष पर दौड़ते हैं वहां से वे दो वानर जैसे जीवों को देखते हैं जो दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं फिर स्टैंटन उन्हें अपना लाइटर दिखाकर बीच में रोकता है और वे भाग जाते हैं फिर वे वानर जैसे जीव के साथ संवाद करने की कोशिश करते हैं जिसे अंजाम दिया जाने वाला था होली उसके साथ संवाद करके और उसका नाम निकालने में सक्षम है जो चाक का है हालांकि मार्शल उसे डराता है और वह भाग जाता है जब वे उसका पीछा करते हैं तो वे रेगिस्तान में एक छेद के माध्यम से एक गुफा में गिर जाते हैं गुफा के अंदर होली चाका को शांत करने में सक्षम है तभी अचानक कई बेले उन्हें हवा में लटका देती हैं। जैसे ही वे खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं एक टी रैक्स उन पर हमला कर देता है हमले के दौरान बेलें कट जाती हैं और वे भागने में सफल हो जाते हैं हालांकि डायनासोर उनका पीछा करते हैं क्योंकि वे दौड़ते हैं इसके बाद वे एक पुल को पार करते हैं। मार्शल यह कहकर उसकी बुद्धि का मजाक उड़ाने लगता है कि उसका दिमाग अखरोट जितना छोटा है टीरेक्स इसके बाद कूदता है और पीछा करना जारी रखता है वे जल्दी से एक गुफा में छिप जाते हैं जिसमें डायनासोर उनके संकरे प्रवेश द्वार के कारण प्रवेश नहीं कर सकता डायनासोर उन्हें छोड़ देता है वे बहस करते हैं कि क्या चाका को रात के लिए रहने की अनुमति दी जानी चाहिए मार्शल इसके खिलाफ है चाका से तब होली द्वारा पूछताछ की गई थी कि कि उसे क्यों मारा डाला गया था उनका दावा है कि यह उन्हें उखाड़ फेंकने की साजिश के परिणाम स्वरूप था और वे उसे रहने के लिए अनुमति दे देते दे 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 हैं अगले दिन वे भूखे मरने लगते हैं जब मार्शल एक वीडियो फिल्माने में व्यस्त है चाका मुठ्ठी भर एक विशाल फल लेकर लौटता है मार्शल तब एक को तोड़ता है और उसे कीड़ों से भरा पाता है जिसे चाका खाना शुरू कर देता है अचानक मार्शल को ऐसा लगने लगता है जैसे कि उसके मस्तिष्क में एक संदेश प्रसारित किया जा रहा है वह फिर अपने आवेग की दिशा में भागता है अन्य लोग उसका पीछा करते हैं वे एक प्राचीन मंदिर में पहुंचते हैं जिसके केंद्र में एक विशाल हिलता हुआ क्रिस्टल होता है फिर स्टैंटन और मार्शल ने उस पर हाथ रखा और गाना शुरू कर दिया चाका तब उन्हें रोकता है और उन्हें पास के खतरे के बारे में सचेत करने की कोशिश करता है आपको क्या लगता है कि चाका ने उन्हें किसके बारे में चेतावनी दी थी वीडियो को रोके और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं छिपकली आदमियों का एक गिरोह जिसे स्टील स्टेसेक्स के नाम से जाना जाता है दिखाई देता है और उन्हें घेर लेता है मार्शल तब होली के बेल्ट बकल के प्रकाश को पास की कुछ मूर्तियों की आंखों पर दर्शाता है फिर क्रिस्टल में एक त्रिकोणीय पोर्टल खुलता है और वे प्रवेश करते हैं जब दरवाजा बंद हो जाता है तो वे खुद को तैरते हुए क्रिस्टल पर पाते हैं और अंग रखा पहने हुए प्राणियों में से एक से जुड़ जाते हैं वह खुद को एनिक के रूप में पेश करता है और मार्शल से काम की प्रशंसा करता है वह उन्हें एक निर्वासित जौरन की चेतावनी देता है जो पृथ्वी पर शासन करना चाहता है उनका सुझाव है कि मार्शल एक एम्पलीफायर से इसे रोक सकता है एनिक का दावा है कि यह में है लेकिन उसे अपने क्रिस्टल की रक्षा के लिए तोरण में ही रहना चाहिए जैसा कि वे इसे खोजने के लिए तैयार हैं, स्टैंटन ने एक अंग रखा पहने हुए व्यक्ति पर भरोसा करने के बारे में अपना संदेह व्यक्त किया मार्शल तब खुद को डायनासोर के मूत्र में भिगोता है और खुद को बचाने के लिए इनमें से कुछ पीने की कोशिश करता है हालांकि यह काम नहीं करता जैसे ही वे गोल्डन गेट ब्रिज के घिरे एक क्षेत्र में पहुंचते हैं उनका सामना दो बड़े डायनासोर से होता है जो उन पर हमला करके और कई छोटे डायनासोर जो एक आइसक्रीम विक्रेता पर हमला कर रहे हैं इसके बाद वे दौड़ना शुरू कर देते हैं ध्यान से बचने के लिए मार्शल एक मूर्ति होने का नाटक करता है जो काम नहीं करता उसके बाद उन्हें तरल नाइट्रोजन का एक कैनिस्टर मिलता है जिसे वे एक प्राचीन गुलेल का उपयोग करके एलोसोरस के गले में डालते हैं जब यह फटता है तो इसके पेट के अंदर से एम्पलीफायर प्रकट होता है इससे पहले कि वे इसे ठीक कर पाते टेरन इसे छीन लेता है और भाग जाता है मार्शल हार मानने के करीब पहुंच जाता है और इससे उसके दोस्त निराश हो जाते हैं थोड़ी देर बाद वह बेंज़ो के साथ उनके कैंप फायर में वापस आता है और गाना शुरू कर देता है तभी उसके कंधे पर एक मच्छर जैसा कीड़ा आ जाता है और उसका खून चूसने लगता है मार्शल थका हुआ और ग्रे हो जाता है वह तुरंत अपनी पीठ पर गिर जाता है और अब बड़े खूनी कीट को कुचल देता है अगले दिन एक ज्वालामुखी पर चढ़ने के बाद वे टेरोडॉन के अंडे का घोंसला पाते हैं जो एम्पलीफायर के रास्ते को अवरुद्ध कर रहा है सेंटन और चाका अनिच्छा से कार्य करते हैं इसलिए मार्शल एम्पलीफायर तक पहुंचने के लिए अंडों के माध्यम से जाता है जब वह एम्पलीफायर को ऊपर उठता है तो संगीत बंद हो जाता है और अंडे फूटने लगते हैं चाका और अन्य लोग मार्शल के साथ गाना शुरू करते हैं क्योंकि वह पीछे की ओर जाता है सफल होने के बाद वे जश्न मनाने लगते हैं वे एक खराब मोटेल में शिविर लगाते हैं और पूल के चारों ओर पार्टी करना शुरू कर देते हैं होली तब क्षेत्र को स्काउट करने के लिए एम्पलीफायर का उपयोग करने के लिए जोड़ देता है एक विशाल केकड़ा उनके पास आता है जो जमीन में समा जाता है और जल्दी से टुकड़ों में बाहर निकल जाता है और पूरी तरह से पक जाता है वे तब विशाल केकड़े के पंजे खाते हैं पास में एक क्रिस्टल से भरे घास के मैदान में होली का सामना जोरन से होता है वह उसे बताता है कि एनिक वह है जिससे उन्हें डरना चाहिए क्योंकि यह वह है जिसने पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के लिए स्लीस्टर की सेना को आदेश देने की योजना बनाई है अचानक एनिक के प्रकाश से एक चमक जर्न पर पड़ती है और होली पर कब्जा कर लिया जाता है जब तीन अन्य लोगों को होली के अपहरण का पता चलता है तो वे उसकी तलाश शुरू करते हैं एक गुफा के अंदर स्टैंटन और मार्शल दो छिपकलियों को अपनी खाल बहाते हुए पाते हैं इसके बाद पुरुष होली को बचाने के लिए इन्हें पहनकर सिर पर रख लेते हैं जहां वे स्वयं के रूप में बाहर आ जाते हैं जब वे उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां होली होने वाली होती है तो वे स्वयं को प्रकट करते हैं उन्हें एनिक की सहायता करने के प्रयास के लिए मौत की सज़ा सुनाई जाती है जिसे ज़ाहिर तौर पर भाग दिया गया था और सज़ा के तौर पर अंगरखा पहने के लिए बनाया गया था मार्शल एक संघर्ष के बाद एक धधकते हुए गड्ढे के ऊपर एक पिंजरे से होली को मुक्त करने में सक्षम है मार्शल और होली फिर एक पैशनेट किस करते हैं एनिक उन्हें रोकता है और मार्शल पर टी-रेक्स का ध्यान केंद्रित करता है वह तब टी-रेक्स से लड़ने का फैसला करता है इसलिए वह होली को भगा देता है स्टेंटन मदद करने के लिए अनिच्छुक होने के साथ मार्शल का एक छड़ी पकड़ लेता है और उसका उपयोग खुद डायनासोर की ओर पोल वॉल्ट करने के लिए करता है लेकिन सीधे उसके गले के नीचे गिर जाता है आपको क्या लगता है कि अब मार्शल का क्या होगा जब वह टीर के पेट के अंदर है आगे देखते हैं यदि आप वीडियो का आनंद ले रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आपने उस पर लाइक बटन को हिट कर दिया है होली के रूप में और चाका स्टैंड के खिलाफ एक असफल लड़ाई शुरू करते हैं मार्शल टीर एक्स की सवारी करके लौटता है यह पता चलता है कि मार्शल को टीर एक्स से बाहर निकाला गया था उनके पक्ष में टीर एक्स के साथ वे आसानी से लड़ाई जीत जाते हैं फिर वे एनिक का सामना करने के लिए तूरण में जाते हैं एक लड़ाई छिड़ जाती है जिसके कारण एक क्रिस्टल जमीन पर गिर जाता है और टुकड़े-टुकड़े हो जाता है यह पृथ्वी के पोर्टल को झिलमिलाहट का कारण बनता है मार्शल तब होली के हार के क्रिस्टल को पकड़ लेता है और जो खो गया था उसे बदलने के लिए इसका उपयोग करता है जबकि मार्शल और होली पोर्टल के प्रमुख हैं स्टेंटन ने रहने के अपने इरादे की घोषणा की स्टेंटन और चाका चाका की बस्ती में पहुंचते हैं और स्टेंटन जल्द ही आश्चर्यजनक महिलाओं के एक समूह से घिर जाता है जो साजिश के साथ उसकी जांच करते हैं इससे स्टेंटन अपने फैसले से खुश है इस बीच मार्शल अपनी सफलता का जश्न मनाने के लिए एक बार फिर उसी टीवी शो में लौटता है और मेट ल्यूअर कैंसक इट शीर्षक से अपनी नई किताब की पेशकश करता है इस बार मेट ल्यूअर अपना आपा खो देते हैं और मार्शल के साथ कुश्ती लड़ने का प्रयास करते हैं फिल्म अबैंडन डायनासोर के अंडों के हिलने और हैच होने के साथ समाप्त होती है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अधिक मूवी रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएँ साथ ही अपने पसंदीदा मूवी का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जिस पर आप स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहते हैं देखने के लिए धन्यवाद